हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, ये आपका अपना चैनल है, एजुकेशन चैनल है, और इस चैनल पे मैथमेटिक्स और तेलुगु स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाते रहता हूँ। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो या नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मेरे डियर स्टूडेंट्स, 7 पॉइंट्स मैं बतलाऊंगा आप एग्जाम में किस तरह पास हो सकते हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने सोचा कि 7 पॉइंट्स के बारे में आपको पहले बतला दूं। देखिए बेटे स्टूडेंट्स, आप सभी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स लिखने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में फेल हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, और 14 जून से आप सभी एग्जाम्स लिखने वाले हैं। और आप सभी अपना अपना हॉल टिकट्स भी ले लिए होंगे, अपना सेंटर भी देख लिए होंगे और रिलैक्स में होंगे। अब बस एक ही टेंशन है आपको कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। देखिए, मैंने पहले से आपको अपलोड करते हुए आ रहा हूँ वीडियोस के, आपको फोकस करना है, एटलीस्ट 50-60% आपको पढ़ना है, तभी तो आप अपने एग्जाम में जाकर सक्सेस हो पाओगे। अगर आप किसी और के डिपेंड में या कहीं और सोच कर जाते हो तो इम्पॉसिबल बात है। सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस आपको रखना बहुत जरूरी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन के चीजें आपको साइड में रखना है। मोबाइल हो या टेलीविजन हो या फ्रेंड्स हो या फंक्शंस हो, कहीं घूमने जाना है, कुछ दिनों के लिए डिस्ट्रैक्शन के चीजों को आपको बाज में रखना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, वही आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। आप पढ़ने बैठे याद आ जाते हैं, फलां फ्रेंड को चैटिंग करना है, फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, इन चीजों को कम से कम एटलीस्ट एग्जाम तक आपको साइड में रखना है। नंबर वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको एक टाइम टेबल बनाकर, आपको पढ़ने के लिए फोकस करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो एक सब्जेक्ट है, ठीक है कोई बात नहीं है, 2-3 सब्जेक्ट रहे, सो वालों को टाइम टेबल बनाकर इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, बहुत ही जरूरी है। तीसरा, आपने जो याद किया है उसको रिवीजन करते रहना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप एग्जाम के पास नहीं जा सकते। रिवीजन ही एक बेस्ट वेपन है आपको एग्जाम में पास कराने का, आपको एग्जाम में अच्छी तरह मार्क्स दिलाने का, एक वही आपके पास वेपन है। इसलिए आप क्या कीजिए कि रिवीजन अच्छी तरह कीजिए। फोर्थ पॉइंट है, आपने कितने मॉडल पेपर्स आपने याद किया है अभी तक, कितने आंसर्स याद किए हैं, वो जितने आंसर्स हमने अभी तक याद किए हैं क्या वो हमारे लिए अभी याद रहेंगे या हम भूल चुके हैं, ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है, अगर हमने मार्च अप्रैल में जो मिस्टेक्स नहीं करे, हो सकता है वहां पर हम कुछ मिस्टेक करेंगे जिसकी वजह से शायद हमको ये दिन देखना पड़ा है, तो उस मिस्टेक से हम कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट है, आपने जितने याद किए हैं क्या एग्जाम के लिए काफी है, क्या एग्जाम में आप उतने आंसर्स लिख सकते हो, कोई भी तरीके का क्वेश्चन दो आप एग्जाम में लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7th पॉइंट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है, आप कितने हद तक अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 7 पॉइंट्स पे अगर आप वर्कआउट करेंगे एग्जाम को आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। 2-3 डेज टाइम है, मेहनत कीजिए, जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाइए और याद करने की कोशिश कीजिए। बस मैं ये चाहता हूं कि आप किसी तरह अपना साल को सेव कर सके, अपने साल को बचा पाए, क्योंकि अगर अभी आप नहीं बचा सके तो आपको एक साल और वेट करना पड़ेगा, कई बार मैं कहते हुए आ रहा हूं। उसके लिए आपको फोकस अपने स्टडीज पे करना है, मेहनत आपको अपने स्टडीज पे करना है, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने स्टडीज को लेकर सीरियस है, अपने स्टडीज पे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता था, क्योंकि मैं भी आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, फिर मैं 3 वीडियोस अपलोड करूंगा मैथमेटिक्स के सप्लीमेंट्री से पहले, वो 3 वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। 70-80% आप उस 3 वीडियो के डिपेंड पर रहकर आप लिख सकते हो। बस इतना ही कह सकता हूँ, एग्जाम्स पास है, अच्छी तरह पढ़िए, ऑल द बेस्ट सभी।